अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम ज़रदा बना रहे हैं, हर किसी को पसंद आता है। तो आपको मैं अज्जा बता देती हूँ। तो मैंने ये चावल 5 कप इस कप के साथ नाप करके लिया हुआ है। 5 कप मैंने चावल लिए, 3 कप मैंने चीनी ली है, 3 खाने का चम्मच ऑयल ली है, ऑयल भी डाल सकते हो, घी भी डाल सकते हो, थोड़ा सा सबज इलायची ली है, 1 चाय का चम्मच फूड कलर लिए जर्दी का कलर, और ये नारियल ली है, नारियल को मैंने पतला पतला स्लाइस इस तरह काटा हुआ है, और ये खजूर ली है चुवारे, उसको थोड़ी देर पानी में रखा, जब वो नरम हो गया उसके बाद फिर इसका तरह कटिंग किया। तो अभी चावल को थोड़ा भिगो करके रख देंगे ताकि ये नरम हो जाए। हमने पानी भी रख दिया, ये उबल जाएंगे, फिर इसके अंदर चावल डालेंगे। ये पानी गर्म हो गए, अभी इसके अंदर ये कलर शामिल करते हैं। अभी इसके अंदर चावल को शामिल कर लेते हैं। ये चावल जब उबल जाएंगे इसका एक कनी रह जाएंगे, उसके बाद फिर ये छन्नी में डालेंगे। नज़र हमारा चावल तैयार हो गए, ये देखो एक कनी रह गया और बाकी पक गए, ये देखो टूट रहा है, ये देखो कितने लंबे लंबे हो गए। अभी इसको हम छन्नी में डालेंगे ताकि ये पानी इसका झड़ जाए। अभी ये चावल छन्नी में डालते हैं ताकि ये पानी झड़ जाए। ऊपर से थोड़ा सा ठंडा पानी भी डाल लेते हैं ना। अभी थोड़ी देर इसको ऐसे रख देंगे ताकि ये पानी इसका जड़ जाए। अभी हम चावल के लिए चाश बना रहे हैं। ये हमने 3 कप चीनी ली है और इसमें 1 कप पानी, इसको पतला सा चाशनी बना रहे हैं, और इसके अंदर ये हरी इलायची है, इसको हमने कूटा है, ये भी शामिल कर लेते हैं। ये देखो चाशनी बन गई, तैयार हो गई। चीनी को हमने खाली पिघलाना है, उबालना इतना नहीं है, पतला सा, ये देखो इतना ज्यादा वो नहीं है, गाढ़ा नहीं है, ये देखो। अभी इसके अंदर ये ड्राई फ्रूट है, सबसे पहले ये डालते हैं, ये इनके साथ मीठी हो जाएंगे। अभी इसमें हम ये चावल शामिल करते हैं, ये थोड़ा सा घी है, ये भी शामिल करते हैं। अभी चावल ये चाशनी आपस में मिला लेते हैं। अभी इसके ऊपर ढक्कन रखते हैं, थोड़ा सा इनको दम देते हैं, बिल्कुल हल्की चूल्ही के ऊपर। इसके ऊपर थोड़ा सा केवड़ा भी डाल लेते हैं, 2 चम्मच इसमें डाल दो, बहुत अच्छा सा खुशबू इसमें से आएंगी। इसके ऊपर ढक्कन रखते हैं। हमारा मजेदार सा जर्दा तैयार हो गया, अभी हम डिश को आउट करते हैं। बहुत मजेदार सा बन गया, ये देखो नज़रीन हमारा मज़ेदार सा ज़रदा तैयार हो गया। बहुत इजी रेसिपी है ये, ज़रूरी आप लोग ट्राई करें। अगर मेरा वीडियो आप लोग पसंद आया हो तो ज़रूरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें।